हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। गाइज, तो आइए देखते हैं यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स क्या है आपके अपने पर्सन को लेकर एंड आपके पर्सन की आपको लेकर। इस वक्त आप किस एनर्जी में हैं एंड आपके पर्सन किस एनर्जी में है आपको लेकर, आपके साथ जो भी इस रिश्ते में करंटली चीजें चल रही हैं। अपने पर्सन के नाम को थर्ड आई पर लेकर तीन बार नाम लेना है आपने, थर्ड आई पर विजुअलाइज करना है पार्टनर के फेस को, सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करते हुए जानते हैं आपके पर्सन वर्सेस आपकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही रखें, इंटरेस्ट को जाने दें। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की अपने पोर्सन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनके पोर्सन की मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, उनके साथ जो भी वर्तमान स्थिति है अकॉर्डिंगली क्या करंट फीलिंग्स है। आपके पोर्सन की तरफ हम निकालेंगे थ्री कार्ड्स एंड आपकी तरफ भी निकालने वाले हैं थ्री थ्री कार्ड्स। ठीक है, और एक कार्ड लेंगे आपकी करंट सिचुएशन का भी। ठीक है, सिंगल कार्ड जो हमें बताएगा कि आपके रिश्ते में क्या सिचुएशन है। बॉटम से एनर्जी थर्ड पार्टी की दिख रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से स्टक है, आपका रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से स्टक है, और यहाँ पर कोई मटेरियलिस्टिक थर्ड पार्टी नहीं है कि ये कोई जमीन जायदाद हो गई ना, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ही स्टबर्न है, जो उम्र में पड़ा है, या कोई विडो लेडी हो सकती है कुछ लोगों के टर्म्स में। ठीक है, सबसे पहले करंट सिचुएशन देखते हैं, करंट सिचुएशन में है यस टू ऑफ पेंटिकल्स एनफ है। आपके पर्सन इस समय दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं या आपका रिश्ता जगल कर रहा है, एक तरफ तो आपको रखे हुए हैं और दूसरी तरफ कोई अदर सिचुएशन है जो बॉटम ऑफ द डेक आ रही है। आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं गाइस, आपकी तरफ कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी बता रही है, आपकी वर्तमान भावनाएं बता रही है कि आप इस कनेक्शन में पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वही आपके पोर्सन भी कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है भाई माजरा क्या है, क्या चीजें हिडन है मेरे से इस रिश्ते में, हमने प्यार किया, सारी चीजें हुई हमारे साथ में, लेकिन जब आगे बढ़ने की बारी आई तो पार्टनर की लाइफ में ऐसी थर्ड पार्टी कौन सा बड़ा तूफान हो गई कि मेरा पोर्सन मेरा हो गया, मेरा नहीं रहा, मुझ तक आ ही नहीं रहा, थर्ड पार्टी है कि बवाल हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था या नहीं थी जो मेरे लिए एक्शन नहीं लेता, उसने ये भी कहा था, उसने ऐसा भी कहा था, वो तो बड़ा बोल्ड रहा है, उसने इसके वहां पे ये किया था वो किया था, लेकिन आज मेरे लिए ही उसके पास समय नहीं है, या वो मेरे लिए एक्शन नहीं ले पा रहा है या ले पा रही है। कब होगा ऐसा कि सबके रियूनियंस हो गए, मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी है ये बवाल है, मतलब आपके दिमाग में ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और उसी तरीके से इस रिश्ते को डील करने की कोशिश करें, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में, बट आपका इज लाइक कि एक मेच्योर एनर्जी से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आप, और जैसा चल रहा है आप एक्सेप्ट करते चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा है। ठीक है, जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वहां आपका ना दिल कहता है ना आत्मा कहती है, तो आप इसी कनेक्शन को ले जाना चाह रहे हैं लेकिन एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ में। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर अभी भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म नहीं होके दे रही है। उनके लाइफ में तो हिडन चीजें हैं ही जो पार्टनर के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, और जिनके पार्टनर उन तक आ गए हैं, मतलब आपका मिनी रियूनियन हुआ है, पार्टनर ने आपसे कॉल मैसेज के जरिए बातचीत करी है, आपको अभी भी अपने पर्सन के ऊपर डाउट है कि समथिंग इज हिडन इन दिस कनेक्शन फ्रॉम देयर साइड। ठीक है, आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए कुछ तो बोलने वाले, कुछ लोग तो सेंस कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में पार्टनर अब ये बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ आप दिमाग के ना घोड़े खूब दौड़ा रहे हैं अच्छे से कि ऐसा हुआ था ऐसा, तो वो ऐसा करेगा, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है कि वो अब ये करने वाला है, वो यही करेगी, ये वाली एनर्जी, और है भी हाई प्रिस्टेस तो आपका इंट्यूशन करेक्ट भी जाने वाला है। ठीक है,
आपके पार्टनर को आपको ऐसा भी फील हो रहा है, आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का कोई स्पेल वर्क कराया गया है। आपके पास हो सकता है कि प्रूफ नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऐसा जैसे वशीकरण हो गया, तंत्र क्रिया हो गई कि यार इसको उसी से रोका गया, वरना इसमें इतना मैंने नहीं देखा था कि ये मेरे साथ 4 साल रहा, 8 साल रही और ये एकदम से बदल जाएगा, कि ये मेरा फोन भी नहीं उठाएगा, ये मुझे देखने और सुनने, ये तो मेरे बिना 1 सेकंड नहीं रह सकता था, रह सकती थी। तो आप कुछ चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनर के बिहेवियर से भी नाराज हैं, आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर कि कहाँ कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके दिल में मेरे लिए प्यार कब आएगा, और प्यार है तो कितना है। इन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच विचार रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में जस्टिस आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है और यू डिजर्व देयर जस्टिस, कि कुछ भी हो जाए यार मेरे हाथ में है चीजें, नहीं है, चाहे कितना ही रास्ता मुश्किल है, अल्टीमेटली उसको जस्टिस सर्व होना चाहिए। इसने मुझसे प्यार किया या इसने, देखिए प्यार नपातुला नहीं है, जिसने भी अपने पार्टनर से ज्यादा प्यार किया है, इनका 10% रहा और आपने 90% किया है ना, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये गलत को गलत बोल पा रहे हैं और सही को सही बोल पा रहे हैं, चाहे इन्होंने आपके साथ गलत किया है या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये जस्टिस चाहते हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट है, खूब आपको लेकर स्टॉकिंग चल रही है, आपको स्पाई कर रहे हैं, दे आर स्पाइंग ऑन यू, ये आपके साथ 9 कप्स को अचीव करना है, इसीलिए क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं और अब आप बचे हैं जिसके साथ इनको ये रिश्ता सुधारना है, ठीक है। ये इनका दिल आपको लेकर, मैं जब ये कार्ड खोल रही थी ना, ओपन कर रही थी, मेरे को कैंडल की एनर्जी थी बहुत स्ट्रॉन्ग, कि मोम की तरह पिघलना चाहिए इमोशन हो, यहाँ पे कैंडल्स ही हैं और मैं अभी ये कार्ड देख रही थी जैसे ये इंडिकेट कर रहे थे, तो यहाँ पे ये अपना जो इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस हैं, ये उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, खुश हैं आपसे, आपके बिहेवियर से, आपके ऑरा से, और ये आपको स्लो मोमेंट के जरिए कमिटमेंट देना चाहते हैं। जब ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्टक होने के बावजूद ये आपके साथ ही खुशी फील करते हैं, जहां से भी आपको स्पाई करते हैं इन्हें अच्छा लगता है। 9-11 की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम नंबर है, एंजल नंबर है। आपके पार्टनर को आपके साथ चीजों को स्टेबल करना है, अपनी लाइफ में रहते रहते इस लाइफ टाइम में कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते, या आपको जस्टिस सर्व भी करना चाहते हो और इस रिश्ते में आपके साथ आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। आपको लेकर इस रिश्ते में जो कुछ कर सकते हैं एटलीस्ट अपनी तरफ से दिल से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, और दिल से एफर्ट्स लगेंगे तो न्याय होगा, जिसके साथ जो होना चाहिए वो होगा और ये वही करेंगे। और ये जो एनर्जी है आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली गाइस 6 to 9 days के अंदर रेजोनेट कर सकती है, ये जस्टिस वाली सिचुएशन आपके रिश्ते में सिचुएशन बैलेंस हो सकती है विश फुलफिलमेंट के रूप में। ये आपसे बात करना चाहते हैं अपनी खुशी को, अपनी हीलिंग को, क्योंकि बहुत लोगों के पार्टनर्स हील हो चुके हैं, आपसे एक्सप्रेस करके चीजों को जीतना चाहते हैं और जो ये फील करते हैं उसे सरफेस पे लाके आपसे ये चीजें कंफर्म करके आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक रास्ता बनाना चाहते हैं और बनाएंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से बेटर होके, निडर होके ये आपके साथ ही आगे बढ़े। वो हिम्मत, वो हौसला आपके, इनके आपके पार्टनर का ना एनर्जी की वाइब्स ऐसी है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से टेंशन नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है ये कर लेंगे। जब जब ये आपको पॉजिटिव देख रहे हैं, आपको हाई एनर्जी में देख रहे हैं, दे आर ऑल्सो गेनिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम योर एनर्जी कि यार ये तो बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, इसके लिए एक्शन लूंगा मैं या इसके लिए एक्शन लूंगी मैं। ये चीजें आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए इंस्पायर कर रही हैं, पॉजिटिव कर रही हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी यू वर्सेस देम, आपकी वर्सेस आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।